साल की तबील मेहनत के बाद हर साल के एंड होने के बाद शुरू के महीने में यहाँ पर फूलों की बड़ी नुमाइश लगाई जाती है। सिटिंग एरिया भी यहाँ पर मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर दो ट्रांसपोर्ट ऐसे रखे, एक पीपल बस सर्विस और एक इलेक्ट्रिक बस सर्विस। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं सीवीओ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी मेहनत सीवीसी ने किया है, क्योंकि यहाँ पर भी मुकम्मल इस पूरे 2 किलोमीटर के ट्रैक पर सीवीसी ने हर साल की तरह इस साल भी प्लांटेशन का बड़ा यहाँ पर बड़े स्पेस पर प्लांटेशन को कायम किया गया है। घासें उगाई गई हैं, रंग बिरंगी पौधे यहाँ पर मौजूद है, सिटिंग एरिया है, लाइटें लगाई गई हैं। बकायदा इस पूरे स्पेस जो 2 किलोमीटर का स्पेस है, इसकी एनवायरनमेंट यहाँ के पूरे सीबीसी का वर्क वो मुकम्मल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो में। अब यहाँ पर आप देखें, ये पूरी लाइन से आपको हर किस्म के पौधे नज़र आ रहे होंगे और बड़े ही खूबसूरत एनवायरनमेंट आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखें। जूम करने के बाद भी आप ये देख सकते हैं, लाइन से आपको लाइटों के लिए लैंप लगे हुए नज़र आ रहे होंगे जो खम्भे की शक्ल पर लगाए गए हैं, और उसके साथ सीटिंग एरिया भी लगाया गया है यहाँ पर बैठने के लिए, और उसके साथ बहुत कुछ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ, देखें ये जो एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये एनवायरनमेंट हर साल यहाँ पर सीबीसी हमें इसी तरीके का इंटरफेस दिखा रहा होता है, क्योंकि गुजरता 3 साल से यहाँ पर मुकम्मल इस पूरे स्पेस पर स्टार्टिंग स्पेस ये वाला था जहाँ पर प्लांटेशन को कायम किया गया था। थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ तो यहाँ पर आप देखें, एक चौरंगी प्लांटेशन की शक्ल में कायम की गई है और यहाँ पर कोकोनट के दरख्त भी लगाया गया है। इसके साथ यहाँ पर डस्टबिन भी रखा गया है। सामने आपको खूबसूरत समुंदर नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस समुंदर के साथ अगर आपको बैठने की सीटिंग एरिया भी नज़र आए तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा लुक सामने नज़र आता है। इसके साथ अब देखें, ये सामने ही सीटिंग एरिया भी यहाँ पर मौजूद है, और साथ में अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो वहाँ पर डाइनिंग एरिया भी मौजूद है जहाँ पर आप बैठ कर खाना भी खा सकते हैं। और यहाँ पर भी एक चौरंगी बनाई गई है जहाँ पर चौरंगी पे मुकम्मल प्लांटेशन कायम किया गया है, और उसके साथ एक कोकोनट का दरख्त भी लगाया गया है जो बाखूबी पूरे साल मेहनत करने के बाद बिलाखिर कोकोनट के दरख्त भी सरवाइव करना शुरू कर दिया है। मज़ीद यहाँ पर आपको गेंडे के पौधे नज़र आ रहे होंगे, पीछे की साइड पर आपको रंग बिरंगी फ्लावर्स नज़र आ रहे थे, और अब सेंटर वाले हिस्से पर गेंडे के पौधे भी लगाए गए हैं। यहाँ पर मुकम्मल सीबीसी ने जो काम किया है, ये गुजरता 3 सालों से इसी तरीके से काम करते आ रही है। जब स्टार्टिंग में काम को शुरू किया गया था तो ये जगह एक बंजर जगह थी, इस जगह पर ना ही प्लांटेशन तो दूर की बात है, यहाँ पर घासें भी उगने के काबिल नहीं थी। लेकिन सीबीसी के लाख कोशिशें करने के बाद, क्योंकि प्लांटेशन का इन्वायरमेंट ताइली मकामात में कायम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस साहिली मकामात में आपको ज़्यादातर रेत का ही सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर आप यकीन करें, जो लोग यहाँ से गुज़रते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, जो ट्रैवल करते हैं इस वाली सड़क से सामने से, और इसके अलावा साहिली मकामात के लिए लोग आते हैं, साहिली समंदर की सैर के लिए आते हैं, ये कुदरत का एक बड़ा तोहफा है साहिली समंदर, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए, यहाँ पर फीलिंग बेटर करने के लिए। और उसके साथ जब यहाँ के प्लांटेशन का एनवायरनमेंट जब आप वो देखेंगे, एक और साइड पर बड़े स्पेस पर रंग बिरंगी पौधे और रंग बिरंगी जो प्लांटेशन है वो आपको वाज़े ही नज़र आ रही होगी। यहाँ पर देखें, आप दूर दूर तक देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट आपको दूर से लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेहनत है वो रंग लाते हुए नज़र आ रही है। 3 साल की तबील मेहनत के बाद हर साल के एंड होने के बाद शुरू के महीने में यहाँ पर फूलों की बड़ी नुमाइश लगाई जाती है, लेकिन इस साल भी फूलों की नुमाइश पर अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आवाम के लिए यहाँ पर एक फूलों का बड़ा स्पेस पर फूले और फूल पौधे
कहाँ से उगाई गई हैं। इससे मज़ीद मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ आया हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो पौधे और प्लांटेशन है वो यहाँ पर भी कायम करने के लिए काम को कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि यहाँ पर भी छोटे से एक स्पेस के अंदर पौधे लगाए गए हैं, छोटे छोटे दरख्त लगाए गए हैं, और मज़ीद भी यहाँ पर अगर आप देखें तो सामने काम होते हुए नज़र आ रहा है। ये प्लांटेशन यहाँ के 2 किलोमीटर तक के तबील लंबे ट्रैक पर इस प्लांटेशन को कायम किया गया है। पूरे स्पेस अगर मैं बात करूँ तो 2 किलोमीटर का स्पेस है जहाँ पर लाखों पौधे लगाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। यहाँ पर अब कोकोनट के दरख्त भी आप देख सकते हैं जिनको यहाँ पर सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल था। यहाँ पर लाख कोशिशें करने के बाद बिल आखिर मेहनत रंग लेकर आई है। ये वो जगह है जहाँ पर बंजर जगह, जिस पर दूर दूर तक के यहाँ पर पौधे फूल क्या घासें भी नहीं उगती हैं, लेकिन CBC की लाख कोशिशों के बाद यहाँ पर घासें क्या पौधे क्या अब दरख्त भी सरवाइव करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर इस मिट्टी पर काफ़ी ज़्यादा ये जो मिट्टी है ये नमक वाली मिट्टी होती है, जिसके बाइस यहाँ पर प्लांटेशन कायम करना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके साथ दरख्त को लगा दरख्त की बुनियादी सतह यहाँ पर मज़बूत नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादातर जो है दरख्त जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की हवा में भी बड़ी नमकियात थे, जिसकी वजह से दरख्त को सरवाइव करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फेस करना पड़ता है। समुद्र की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये ट्रैक दिखाऊं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कचरा हुआ करता था, लेकिन अब जो है CBC ने यहाँ पर सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर मुकम्मल देखें, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ पर टनों के हिसाब से कचरा मौजूद था वो अब यहाँ से साफ कर लिया गया है। तो मज़ीद चलिए समुंदर के भी कुछ एनवायरनमेंट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस साहिल समुंदर पर बहुत सारे लोगों का और रोज़गार भी जुड़ा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको हॉर्स राइड, कैनिमल, इसके अलावा जो बाइक राइडर्स हैं उनके साथ भी आप सैर व तफरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पुरसकून माहौल में आप सस्ते तरीन पिकनिक का मज़ा भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। आप अगर दूर दूर तक देखें आपको सिर्फ कोई भी एक कचरा आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, और जबकि साथ में सारे यहाँ पर जो कारोबारी मौके यहाँ पर मौजूद हैं जो राइड्स की शक्ल में है वो भी आप यहाँ पर आकर मज़े ले सकते हैं। इसके साथ अगर CVO पर आपने शॉर्टकट तरीके से आना है तो असिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 ट्रांसपोर्ट ऐसे रखे, एक पीपल बस सर्विस और एक इलेक्ट्रिक बस सर्विस, उसके ज़रिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। समुंदर की साइड पर थोड़ा सा आया हूँ, CBC के डेवलपमेंट के काम कवर करने के लिए आया था। मैंने सोचा क्यों ना समुंदर की भी इस खूबसूरत साहिल को भी कवर किया जाए। तो ये बिल्कुल आपके सामने आप देख सकते हैं साहिली मकामात इस वक्त बड़ा ही साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एक भी कचरा समुंदर के साइड पर मौजूद नहीं है। साहिल की आवाज़ इस साहिल के शोर को ज़रूर सुना करें, इससे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। छोटा सा साहिली समुंदर के साथ CBC का जो डेवलपमेंट के काम थे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो ये ब्लॉग उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके साथ नीचे अपने राय का इजहार लाजमी करिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।